आपको मैं बता दूं, जो पीड़ित पक्ष है वो अनपढ़ है और गरीब तबके से आते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इन दबंग और पैसे वाले लोगों से लड़ सकें। इस सब के लिए हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप जो भी हमें देख रहे हैं वो इस आवाज को जोर शोर से उठाएं ताकि इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा सके और मरहूम शौकीन को इंसाफ दिलाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाजिर हैं मरहूम शौकीन के घर पर। जी हाँ, जिनका 7 दिन पहले उटावड़ गांव में भूड़ पर के सेकुल फोरमैन और उसके साथियों द्वारा बेरहमी से 3 दिन तक लगातार टॉर्चर करके हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, शौकीन मरहूम पर किस तरह से अत्याचार किया गया और किस तरह से उसे मारा पीटा गया, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन अपने काम में ढील बरत रहा है। जैसा कि आपको पता है, इसमें लगभग 6 या 7 आरोपी हैं, जिनमें से एक ही आरोपी ने अभी तक सरेंडर किया है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी मुजरिम के घर पर कोई दबिश नहीं दी है। बाकी 5 मुजरिम अभी तक पुलिस प्रशासन की पहुंच से बाहर हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मारने वाले मुजरिमों के चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें से पुलिस प्रशासन की ढील की वजह से एक बंदा जो वीडियो में हरी टी शर्ट पहने हुए दिखाई देता है और जो केबल से मरहूम शौकीन को मार रहा है और उसके मुँह से ये आवाज़ भी आ रही है कि इसको करंट लगा दो या फिर पेट्रोल लेकर आओ, उसका नाम मुजरिम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। सभी पीड़ित पक्ष का कहना है FIR में सभी मुजरिमों को शामिल किया जाए, किसी भी तरह की कोई ढील ना बरती जाए, इसमें किसी भी नाजायज को नहीं फंसाया जाए और जो जायज हैं उन्हें बख्शा ना जाए। कई सालों से ड्राइवरी का महकमे में था, इस गाड़ी पे पहले चक्कर में गया है और इसको कुछ आगे चलकर और इस लड़के को छीना झपटी करके ये ले आए। सैकुल नाम का है एक फोरमैन, उसके साथ 6 आदमी और हैं, 7 बताए, 7 आदमी थे। हमारा एक भांजा उसकी गाड़ी में आ रहा था और वहाँ से किसी होटल पर से इनको उठाया है और इन्होंने हमारे पास फ़ोन किया है। तकरीबन 2:30 बजे के बाद इन्हें फ़ोन किया, उससे पहले हमें कुछ मालूम नहीं। तो जब इन्होंने फ़ोन किया कि हमारा 40,000 रुपये का डीजल इन्होंने बेचा है, अब हमारे 40,000 रुपये लेकर आ जाओ, अपने लड़के को ले जाओ वरना हम इसे जान से मार देंगे। हम इसकी बात की सच्चाई नहीं देते कि इन्होंने डीजल बेचा है या टॉर्चर करके इन पर उगलवाया गया है। हम वहाँ पहुँचे 40,000 रुपये लेकर, वहाँ में कुछ औरतों को हुजूम मिला, कुछ मर्द भी थे, वहाँ पता लगा कि उस लड़के को मार मार कर हत्या कर दी गई है और हमने चीख पुकार उनकी सुनी है। ये लोग दबंग थे, हम गरीब तबका के लोग हैं, कुछ मियाँ हैं, कुछ मनिहार हैं जो उस कॉलोनी में रहते हैं, और ये लोग ऐसे तबके के थे कि हमारी हिम्मत ना हुई बचाने को। गेट बंद कर दिया गया, ऊंची ऊंची दीवारें, वो फांद कर उसको बचाने की कोशिश करे तो निकल नहीं पाए। इसमें जी 9 तो वह हैं लड़के को लाने वाले और उन्होंने कुछ उनमें मारने में शामिल हैं, कुछ इधर बिधर हैं, और 2 आरोपी वो हैं जिन्हें इनको मार कर इसकी लाश को खुर्दबुद करने के लिए ले गए थे। और फिर जिनके घर ये लाश पाई गई है, हमारा शक उन पर भी है, कोई मरे हुई डेड बॉडी को अपने घर में नहीं ले जाने देता। देखो जी, उनकी पहचान हो गई है, कुछ की नहीं हुई है, कुछ को शकल से जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, लेकिन वो उनसे ही पूछा जाए जो गिरफ्तार हुए हैं कि ये कौन कौन लोग। और जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए वो गलत है। इतनी बर्बरता से और इतनी निर्मम हत्या करी गई एक बच्चे की 22 साल की उम्र की, अगर कोई उसके खिलाफ दोष था तो उसका कानून अपना काम करता, पुलिस का कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि खुद इसको सजा दे। तो हम आज परिवार से मिले, उनके भाई तौफीक ने सारी जानकारी विस्तृत तौर पे दी, मुकदमे की जानकारी भी दी, हमने पुलिस के जो कार्यवाहक वहाँ के पलवल के SP है उनसे बात करी है, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से भी बात करी है और यही मांग करी है कि इन्हें इंसाफ मिले और हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं और पूरी तरीके से इस पूरी घटना की जितनी निंदा भी करते हैं और पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे जिन्होंने एक
जुर्म किया है और खुद वीडियो बना के वायरल करी है, उनके खिलाफ कानूनन जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई वो हो, जिससे कि ऐसे कानून का मजाक ना उड़े और किसी को ये हक ना रहे कि कानून अपने हाथ से और अपने आप उसको सजा दे। इस बात की हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि तुरंत से तुरंत दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उसमें न्यायिक प्रक्रिया में इस परिवार की मदद की। पीड़ित पक्ष के साथ साथ आज यहाँ पर ऑल इंडिया ड्राइवर संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनी तौर से माली मदद की है इस परिवार की, और उनका कहना है कि हम हर मामले में पीड़ित पक्ष के साथ हैं। पीड़ित पक्ष संगठन से किसी भी तरह की कोई मदद चाहता है, चाहे वो चक्का जाम से लेकर हो या फिर ड्राइवरों का पुलिस थाने का घेराव से लेकर हो, वो हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऑल इंडिया ड्राइवर संघ के अध्यक्ष से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे शौकीन भाई का परिवार है इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो मुजरिम है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और आज ये शौकीन के भाई के साथ हुआ है और कल को किसी और के साथ ना होए, तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ जितनी ढील बरते रखी ऐसी ढील ना बरते, क्योंकि मुजरिम खुले घूम रहे हैं और जो मुख्य मुजरिम है वो खुद ने सरेंडर किया है। तो शौकीन भाई जो मरूम को मारा गया, हत्या की गई है, तो प्रशासन इसमें लापरवाही ना बरते, तो इसमें सख्त से सख्त जितना भी हो सकता है एक्शन लिया जाए। और हम हमेशा अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से परिवार के साथ है हमेशा से। और रही बात हमारे गांव बिरादरी की, अगर गांव बिरादरी साथ देते हैं तो इस भाई को इंसाफ जरूर दिला पाएंगे हम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितना हो सकता है अपने भाई की तरफ मदद करें और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही मदद करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हर एक ड्राइवर के साथ है, जिसके साथ भी अत्याचार होगा उसके साथ है। और ये जो शौकीन के साथ जो हादसा हुआ है, मामूली हादसा नहीं है मेरे भाइयों। 3 दिन हमारे भाई को टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया, ये मामूली हादसा नहीं है। और मैं अपने जितने भी मेवात के जो ड्राइवर हैं सबसे कहना चाहता हूँ, अब मेरे भाइयों एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, और जब तक शौकीन भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। और परिवार को 24 घंटे कभी भी संगठन की ज़रूरत होगी, संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा, और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा संगठन की तरफ से सारे दोषियों को, 8 या 9 जो भी दोषी हैं सबको फांसी दी जाए, अपहरण का केस लगाया जाए और टॉर्चर करने का केस लगाया जाए। और प्रशासन से भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द उन मुजरिमों को भी अरेस्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको मैं बता दूं, जो पीड़ित पक्ष है वो अनपढ़ हैं और गरीब तबके से आते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इन दबंग और पैसे वाले लोगों से लड़ सकें। इस सब के लिए हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप जो भी हमें देख रहे हैं वो इस आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाएं ताकि इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा सके और मरहूम शौकीन को इंसाफ दिलाया जा सके। आपको मैं बता दूं, ये जो सर्कुल फोरमैन नाम का मुजरिम है, ये इसकी कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों की रिकॉर्डिंग और वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ये सबके साथ ऐसा पहले कर चुका है। इस तरह के मुजरिम का ये कोई पहला कांड नहीं है, इस पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं किया जाए। हम सभी की प्रशासन से यही अपील है, इसको सख्त सख्त सजा दी जाए। इस मामले में अभी तक किसी की कोई पुलिस द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसमें एक व्यक्ति जो कि सेकुल फोरमैन है उसने खुद ने ही सरेंडर किया है, और पुलिस प्रशासन 2 दिन तक रिमांड के बावजूद अभी तक जो 5 व्यक्तियों के नाम उसने हाँ किए हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हम पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटना में कोई ढील नहीं बरती जाए। गांव वालों में और पीड़ित पक्ष में इसको लेकर बहुत रोष है, पुलिस प्रशासन से हमारी यही अपील है बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा गांव सिंगार के एक ड्राइवर शौकीन की बहुत बेरहमी से मारकर हत्या कर दी गई है। हमारे साथ हैं शौकीन के भाई तौफीक और शौकीन के अब्बाजी। जैसा कि आपको पता है मुजरिम सेकुल फोरमैन बहुत ही पैसे और रुतबे वाला आदमी है और उनके सामने तौफीक और तोला बहुत ही गरीब और अनपढ़ व्यक्ति हैं। आप सबसे गुजारिश है आपसे जितनी भी हो सके जैसी भी मदद हो सके वो सब तौफीक भाई की और शौकीन के अब्बाजी की मदद कीजिए ताकि इस केस को लड़ने में उन्हें मदद मिल सके और जो इंसाफ की लड़ाई है वो अमीरी गरीबी और पैसे के बीच में पिस कर ना रह जाए। हमने तौफीक भाई का फोन पे नंबर और तौफीक भाई का अकाउंट नंबर नीचे दिया है, आप वहाँ पे जो भी आपसे मदद हो सकती है वो कर दीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमने नीचे मोबाइल नंबर भी दिया है, आप तौफीक भाई के
नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।